हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह के उनके दिल की बातें। मॉर्निंग एनर्जी हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने किंगडम जैक्स से हमने लिए हैं दो टैरो और ये है मूनोलॉजी। ठीक है, काफी दिनों बाद हमने मूनोलॉजी को यहाँ पे ले लिया है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, देखो रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेंडर बायस बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी जेंडर के लिए आप रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है यस द एम्परर। ठीक है, एम्परर का कार्ड बहुत ही हमें प्यारा सा लग रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी पावरफुल एनर्जी हम कह सकते हैं फिलहाल हमें मिली है। सेकेंड कार्ड जो देखते हैं, देखो ये आ गया है द लवर्स। ठीक है, चलो एम्परर के साथ साथ लवर का कॉम्बिनेशन काफ़ी डेडली है। टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये मिला है द चैरियट। तो आज मोस्टली मेजर अर्काना का ही कार्ड्स हमें दिख रहे हैं। नहीं, फिफ्थ कार्ड चुन लेते हैं जो कि है द सन। ठीक है, तो पांच कार्ड की रीडिंग होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इसे करते हैं क्लैरिफाई इस टैरो से तो हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कार्ड्स हमें स्ट्रेट और रिवर्स दोनों भी मिल सकते हैं। जैसे कार्ड्स आएंगे वैसे हम देंगे। सबसे पहले हमें एम्परर फर्स्ट पोजिशन में क्यों मिला है, रीजन आ गया है टेन ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। ठीक है, चलो हमें द लवर्स सेकेंड पोजिशन पे क्यों मिला है, यहाँ पे आ गया है द डेविल रिवर्स में। डेविल भी आई थिंक कल के रीडिंग में आ गया था। हमें टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों मिला है, आ गया है सिक्स ऑफ कप्स, काफ़ी बढ़िया। द चैरियट हमें क्यों मिला है, आंसर आ गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एंड हमें द सन क्यों मिला है, तो जवाब आ चुका है भाई द फूल। ठीक है, तो हमारे सामने टोटल अभी पाँच पाँच दस ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इनके ज़रिए। देखो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो जो बात हमें यहाँ पे मालूम हो रही है कि ये पर्सन हमें थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव मोड में दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्रेसिव नेचर कि किसी बात को लेकर शायद वो हल्ला मचा रहे हैं या फिर शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है, उनके हिसाब से ना, मेरे हिसाब से कि भी बातें जो है वो वैसे ही होनी चाहिए जैसा कि वो चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी बदलाव हो इसमें तो शायद वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर हल्ला मचाना शुरू कर देंगे। एंड ये जो रिवर्स कार्ड आ गया वही हमें सिम्टम्स में दिखाते हैं। देखो पहला कार्ड जो आ गया है वो है द एम्परर, जिसे अगर हम क्लैरिफाई करते तो ये मिला है टेन ऑफ कप्स रिवर्स में। देखो इनके हिसाब से ना चीज़ें इनकी तरफ से नहीं हो रही है, मतलब मे बी आप इनको लेके शायद कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर कह रहे हो चलो भाई जैसा भी है मुझे तो ये रिश्ता काफ़ी बढ़िया लग रहा है, या फिर वी आर ए हैप्पी गुड कपल। इनके हिसाब से ना चीज़ें और बेहतर हो सकती, या फिर आपके लिए जो इनके सजेशन से या फिर आपको लेके जो ये सवाल पूछते कि तुम और अपनी तरफ से एफर्ट्स क्यों नहीं डालते। ठीक है, वो यहाँ पे आ रहे हैं। सेकेंडली अगर कुछ हालात से ये जूझ रहे हैं लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन हो या फिर अगर हम फैमिली को लेके देखें, तो थोड़ा जो गुस्सा है ना वो आपके ऊपर निकलना मेरे हिसाब से बनता है यहाँ पे उनके हिसाब से। बिकॉज देखो ये आपके ऊपर हक जमा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई क्यों वैसा नहीं हो रहा जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। तो इसका जवाब तो भाई कई बार किस्मत को पता होता है और हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, बट इनके हिसाब से ना चीज़ें वैसी होनी चाहिए जैसा कि मैं देख रहा हूँ, तो मुझे किसी ने रोकना नहीं चाहिए। टेन ऑफ कप्स रिवर्स है, तो आई थिंक नाइन ऑफ कप्स मतलब विश कार्ड तो आके गया। अब ये टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है लेकिन ये रिवर्स मोड, तो कह रहे कि भाई जितना आसान होना चाहिए ना वैसा नहीं हो रहा है, या फिर जितनी बातें ईजी लगनी चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेमिंग गेम शुरू हो गया है कि देखो मैं तो अपने वचन से हटने वाला हूँ नहीं, एंड मुझे अपने आप में बदलाव नहीं करना। एरीज की ये एनर्जी है, मेष राशि, तो कह रहे हैं भाई मैं तो वैसे ही रहूँगा, मुझमें आप कुछ भी बदलाव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रिबेलियस एंड गुस्से में व्यक्ति हमें दिख रहा है। सेकेंड जो है वो है द लवर्स, एंड यहाँ पे है द डेविल रिवर्स मोड में। देखो इनको लग रहा है ना कि जितना वो पैशनेट होने की कोशिश करते हैं, या फिर मान लो उन्होंने आपको कोई मैसेज कर दिया, रोमांस उनके मन में छा गया, तो उनके हिसाब से ना द डेविल रिवर्स आ गया है, मतलब डिजायर्स जो है वो शायद वो अपनी तरफ से कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब आप कह सकते कि भी इन्होंने बस कोई मैसेज कर दिया और चुप बैठ है, या फिर एक दो दिन या एक दो हफ्ते हो गए अभी भी बात नहीं कर रहे, तो अपनी जो दिल की बात है वो कम्प्लीटली आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ फील कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप क्या कर रहे होंगे, आपके मन में क्या आ रहा होगा, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, आप कितनी बार मुझे याद कर रहे हो, तो वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। लेकिन द डेविल रिवर्स है, तो जो डिज़ायर्स यहाँ पे आते हैं ना, कैप्रिकॉर्न का साइन ही है,
यहाँ पे डिजायर्स इच्छाएं बहुत मैटर करती हैं, ये रिवर्स हो रहा है। तो वो अपनी डिजायर्स आपके सामने रख नहीं पा रहे हैं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। देखो यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी एंड क्लेरिफाई किया सिक्स ऑफ कप्स ने, यानी कि भाई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। देखो ये कह रहे हैं ना कि मुझे आपसे बातचीत करनी है फेस टू फेस, या फिर एटलीस्ट आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो, मैं चाहे रिप्लाई दूं या ना दूं। इनके हमने देखा यहाँ पे वो चेंजेस बिल्कुल भी नहीं चाहते, बट यहाँ पे वो आपसे कोऑपरेशन चाहते हैं। मतलब इनको लग रहा है ना कि ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से वो कोशिश नहीं हो रही है, तो थोड़ा बहुत वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि देखो कहाँ पे मैं हूँ और कहाँ पे आप हो, क्यों आप आगे नहीं आ रहे, या फिर क्यों आप में वो बदलाव मुझे नहीं दिख रहे जो देखने को चाहिए। तो अगर आपने कभी कहा था इनको कि बदलाव तो होते हैं ज़िंदगी में, आज न कल आप भी एक्सपीरियंस करेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं पहले आप बदलाव करो बाद में देखेंगे मेरे बारे में। देखो यहाँ पे आ गए थे चैरियट एंड क्लेरिफिकेशन जो आ गया है वो है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं ना चाहता हूँ कि आप मुझसे वो सारी बातें कहें जो आपको लगता है। ठीक है, तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है उनकी, एंड वो कह रहे हैं कि देखो मेरा जो मन है ना वो अभी स्थिर नहीं है, तो मैं एकदम से आपको मैसेज कर सकता हूँ, एकदम से रुक भी सकता हूँ, आपके नज़दीक आ सकता हूँ, आपसे दूर भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर आपने अपनी पर्सन को देखा है कि वो एकदम से मैसेज करते हैं, चुप बैठते हैं, फ़ोन करते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर बात ही नहीं करते बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई आपको स्टॉक कर रहे, तो वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वो वैसे कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे ना कई बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बस मेरे साथ चलते चलो, फिर चाहे मैं कमिटमेंट दूँ ना दूँ, मैं आपसे बात करूँ ना करूँ, लेकिन आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो मेरे लिए कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर पर है, आपके कंधे पे है, ये इनका कहना है। और अगर फाइनल कार्ड देखें तो यहाँ पे है द सन रिवर्स में, सेकंड जो कार्ड आया क्लेरिफिकेशन के लिए वो है द फूल, दोनों ही मेजर का ना। देखो द सन है एंड द फूल है, मतलब ये कह रहे कि देखो मुझे ना मतलब सब बढ़िया चाहिए, और ये है कि आपने हमेशा कहना ही चाहिए कि ये व्यक्ति तो बेस्ट ही है, ये अपना मतलब बेस्ट ही दे रहा है, या फिर इनसे बढ़िया मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है द फूल। देखो ये ना मतलब सिर्फ अपनी एक राह फॉलो कर रहा है, ये बिल्कुल भी मतलब अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, एंड इनके मन में कोई ऐसा ये नहीं कि मैं आगे चल के लेफ्ट लूँगा, मैं आगे चल के राइट लूँगा, मतलब मेरे मन में क्या आएगा मुझे नहीं पता। अभी अगर मेरा मन हुआ कि मुझे आपको कॉल करना है मैं करूँगा, अभी अगर मन हुआ कि नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपनी सारी बातें आपको बता रहे हैं कि आप इनको कंपल्शन नहीं कर सकते किस व्यक्ति ने आपको रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए, लेकिन ये आपके ऊपर कंपल्शन थोप रहे हैं कि आपने इनको बेस्ट ही समझना चाहिए, या फिर कि ये पर्सन से बढ़िया आपने अब तक कोई ज़िंदगी में देखा ही नहीं, आप दोनों जैसा कपल कहीं पे है ही नहीं, ये उनकी बातें हैं। अब अगर ऐसा क्यों कह रहे हो, अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लैरिफाई, तो देखते हैं मोनोलॉजी। देखो पहला कार्ड है मेडिएट एंड कंटेम्पलेट। देखो इनको लग रहा है ना, उनके पाइसिस का मून है ये न्यू मून, तो मीन राशि यहाँ पे आती है। देखो इनके हिसाब से ना जैसा मैं कह रहा हूँ चीज़ें वैसी होनी चाहिए, मेरे एंगल से देखो, मेरी नज़र से दुनिया को देखो, ये नहीं कि आपका नज़रिया क्या है, आपके दोस्त क्या कहते हैं, आपकी फैमिली क्या कहती है, मैं क्या कह रहा हूँ और मेरे हिसाब से आपको क्या कहना चाहिए, ये उनकी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, सेकंड ऐसा क्यों कह रहे हैं, लक इज़ ऑन योर साइड। उनको लग रहा है कि मान लो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, मैं ही सही हूँ और किस्मत मुझे ही सपोर्ट करेगी, तो ये एक उनका हम कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका लगता है कि भाई अगर मैंने ऐसा मान लिया तो ऐसा ही होगा, किस्मत हमेशा मेरे ऊपर मेहरबान है। और शायद यहाँ पे आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए आपने उनका या तो साथ नहीं छोड़ा, या फिर तुरंत आप उनसे कनेक्ट हो गए और कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमेशा आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगी। ठीक है, तो चाहे ये लड़का है लड़की है, या आपको कह रहे हैं कि भाई हमेशा मैं ही सही होती हूँ या मैं ही सही होगा। यानी कि अगर थर्ड कार्ड देखें तो यहाँ पे आ गया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। भूतकाल की कोई भी बात आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपने भूतकाल की कोई भी बात बताई कि देखो क्या हुआ था, तब तुमने ऐसा किया था तो प्रॉब्लम्स आ गए थे, ये बिल्कुल भी ये सुनने के आदि नहीं है, और शायद अगर आप ऐसी कुछ बात करेंगे तो शायद सुन के भी नहीं लेंगे। तो कह रहे कि भाई भूतकाल को मत निकालो, अभी फिलहाल जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस कर लो, एंड मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ वही अभी सही है। सो इट अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।